सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन सौरभ, CEO ऑफ फिडेल्स संपीटन इंडस्ट्रीज एंड FSI आयुर्वेदिक एग्रो। आज मैं आप लोगों के समक्ष हमारे हर्बिसाइड का स्प्रे करने जा रहा हूँ। FSI हर्बिसाइड जिस दवा का नाम है, और हमारा एक प्लॉट है जिसको आप देख सकते हैं। इसमें मूंग भी लगा हुआ है। इस पर हमने पोस्ट इमरजेंस के लिए, मतलब फसल उग जाने के बाद किस तरह से हमारी दवा काम करती है बिना फसलों को नुकसान पहुंचाए, उसके लिए इस पर हमने आज तक कभी भी फसल लगाने के बाद हमने इस पर हर्बिसाइड का नियंत्रीकरण नहीं किया था, ताकि हम आप लोगों को इसका फसल लग जाने के बाद उसका रिज़ल्ट शो कर सकें, जिसमें आपको ये पता चल सके कि बिना फसल को नुकसान पहुंचाए हमारी दवा कैसी काम करती है। आप देख सकते हैं इसमें कितने प्रकार के खरपतवार उग गए हैं, और हमने इन्हें लगातार उगने दिया ताकि आपको हम दिखा सके कि किसी प्रकार का कोई भी खरपतवार हो, सभी प्रकार के खरपतवार को हमारी दवा नष्ट करती है। आप देख सकते हैं यह आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मूंग हमारा उगा हुआ है, और इस पर हमने इसे इतना बढ़ने दिया है जिसके बाद अगर हम आज स्प्रे करेंगे तब आपको अनुभव होगा कि ये 1.5 महीने का मूंग है। इसके बाद भी हमारे स्प्रे के बाद भी मूंग में कोई दिक्कत नहीं आती है, और मूंग फला हुआ है। इसके बाद उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इस मूंग में सिर्फ हमने अपने FSI न्यूट्रिशन और FSI पेस्टिसाइड का छिड़काव किया था, उसका भी आप देख सकते हैं। उससे बिना रोक के देखिए किस प्रकार का, देखिए मूंग इसमें जन्म लिया। किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है इस मूंग में हम लोग को, और इसी खेत में आज हम लोग FSI हर्बिसाइड का छिड़काव करने वाले हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खरपतवार इसमें उगा हुआ है, और इसके बाद भी हम लोग आज इसमें स्प्रे करेंगे, और आपको 2 दिन के भीतर इसका रिज़ल्ट सबमिट करेंगे, जिसमें आप देखिएगा कि हमारी दवा कितने सुंदर ढंग से बिना फसलों को नुकसान पहुंचाए काम करती है। देखिए ये देख रहे हैं आप, यह मूंग का पौधा, जिसमें ये मूंग की खेत है, यह हमारे 5 डिसमल का खेत है, इसमें हम दवा का स्प्रे कर रहे हैं। यह हमारा 5 डिसमल का खेत है, आप इसको देख सकते हैं। तो मूंग का खेत है, इसमें हमने पूरी तरह से खरपतवार को उगने दे दिया 2 महीने तक, ताकि जब उसका नियंत्रणकरण करें तो आप लोगों को अनुभव हो सके, हमारी दवा के माध्यम से आप देख सकें कि बिना फसलों को नुकसान पहुंचाए इतनी लंबे लंबे खरपतवार को भी हमारी दवा एक ही स्प्रे में पूरी तरह से जला के नष्ट कर देती है। आप देखिए पूरे मूंग का खेत है, इसी में भी FSI हर्बिसाइड का स्प्रे होगा। चलिए अब हम लोग FSI हर्बिसाइड का स्प्रे करने की तैयारी करें। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए इसमें जो हमारी दवा स्प्रे होने वाली है उसे आप लोग पहले देख लीजिए। यह है FSI हर्बिसाइड, देख सकते हैं इसी का छिड़काव आज हम लोग का होने जा रहा है हमारी खरपतवार के लिए। कितना दें? 1 ढक्कन दीजिए ना। ये पहले हम लोग दवा को तैयार कर रहे हैं 100 लीटर पानी के लिए, पहले एक बाल्टी में पहले मिक्स कर ले रहे हैं, इसके बाद उसको स्प्रे किया। देखिए अभी हमने इसमें डाला और मिक्स किया, हो गया सिरिंज मिक्स हो गया। अब इसको स्प्रे किया जाए, स्प्रे बोतल लाओ, 1 मिनट को। अभी हमने थोड़ी ही दूर में हटो तो भाई, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको स्प्रे करके दिखाएंगे कैसे स्प्रे हम लोग करते हैं, जैसे कि बिना फसलों को नुकसान पहुंचाए। देखिए हम लोग 1 लीटर पानी का बॉटल लिए हैं, उसमें हम अपनी दवा को पूरा भर दें, ठीक है? बस बस, देखिए यही दवा का स्प्रे होगा। रसना लग रहा है ना?
अब इस पर हम स्प्रे टाइट कर दिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। एक लंबी लंबी नीचे नीचे दिखा देखिए, इस पर हम अपनी दवा का स्प्रे कर रहे हैं, FSI हर्बिसाइड का, जो आपके सामने देखिए तैयार हुआ है। और थोड़ी सी मात्रा में देखिए कैसे हमारी दवा का काम देखिए। हटो हटो ना, इसे तो क्लियर हो जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। इधर इधर मुंह पे उस वाले इसको यहाँ देखिए, सभी खरपतवार को इसका पत्ता बड़ा हो गया। हाँ, यहाँ मुँह यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए मुँह का पौधा है ये। यहाँ पे देखिए हम अपनी दवा का स्प्रे कर रहे हैं, देखें बिना मुँह को नुकसान हुए, आप देख सकते हैं। इधर इधर देखिए मूंग का पौधा है, वहाँ खरपतवार को अच्छे ढंग से नियंत्रण कर रहे हैं। हटो इधर है, इधर इधर ना, साफ सुथरा जगह पे देखो, इधर ना, इधर ना, खत्म हो गया क्या रे? इधर 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 भी है, रुको याद रखना। हाँ, देखिए मूंग भी है इसमें, मूंग को आप देखिएगा, इसमें मूंग भी उपलब्ध है अभी। बिना मूंग को नुकसान पहुँचाए, मूंग पर दवा पड़ भी गई हमारी तो भी मूंग को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, हमारी दवा सिर्फ खरपतवार का नियंत्रण करती है, इसे यह फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। इधर भी आपको दिखाता हूँ, देखिए कितना घना देखिए खरपतवार है, उसको नष्ट करने का काम हमारी दवा करेगी। ये भी नष्ट हो जाएगा, हटो इसको उखाड़ दें। उधर से बेचो, उधर से उधर नहीं भाई, करंट मच्छर बहुत है यहाँ भी। यहाँ इधर इधर बहुत है, बहुत एक्सेस है, कम नहीं है। लेमन ग्रास है क्या? लेमन ग्रास है। इधर आ इधर देखिए, लोगों के पास समस्या होती है मोथा घास दुब घास को कैसे खत्म करें, देख सकते हैं आप लोग, क्लियर दिख रही है, देख लीजिए यहाँ भी देख लीजिए यार। हम मूंग का पूरा बीच में इधर देखो, यहाँ भी मूंग का, मूंग की खेत है, खरपतवार हो गया। इधर इधर आगे यहाँ भी देखो, पूरा एकदम घास ही को यही इधर देखो, यहाँ भी अभी हमने आपको थोड़े थोड़े मात्रा में स्प्रे करके दिखाया, और इसका रिजल्ट मैं आपको दो दिन में अपडेट करूँगा। तक है फोटो क्लियर कर लो, कि यही हमारा खेत है, इसी पे हम FSI हर्बिसाइड का छिड़काव कर रहे हैं, इसी पे हम FSI हर्बिसाइड का छिड़काव देखे कर रहे हैं अपने इस पे। अभी हमने स्प्रे किसमें स्प्रे करते हैं, अपना बोतल ख़त्म करें। मूंग की खेत है, और इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए हमारी FSI हर्बिसाइड का उपयोग किया जा रहा है, और इसका रिजल्ट मैं आपको अपडेट करूंगा कि बिना फसलों को नुकसान पहुंचाइए। नहीं रे देखो, पूरा क्लियर एकदम, देखिए इसमें हमने हमारी मूंग में देखिए कोई रोग नहीं है, कहीं कोई कीड़ा नहीं है, हमने इसमें FSI न्यूट्रिशन और FSI पेस्टिसाइड का छिड़काव किया था, इसमें कोई अलग से कोई खाद खली नहीं दिया गया है, देख सकते हैं। देखिए बिना किसी खाद खली के सिर्फ एक दवा के स्प्रे में हमारी दवा कैसे काम की। सब पहले लगा लेते हैं, ठीक है, मैं आप लोग को दो दिन में
इस दवा का जो आज हमने हमारा स्प्रे हुआ है उसका रिज़ल्ट अपडेट करूँगा दो दिनों में, आप उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।